गैलरी और मैं हूँ रिया। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मलाई केक का रेसिपी। ये मैंने जब घर पर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा बनेगा। दोस्तों इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूध, हाफ कप गर्म दूध। उसमें मैं चीनी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से चीनी को मिला लूँगी। चीनी है एक कप। अब दूध और चीनी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद एक बोल में मैं अनसॉल्टेड बटर डाल रही हूँ। इसके अलावा आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। सबसे पहले उसके बाद बटर में थोड़ा थोड़ा करके दूध और चीनी का मिक्सचर डालिए और अच्छी तरह से मिलाते रहिए जब तक कि बटर अच्छी तरह से क्रीमी ना दिखे। तो बारी बारी में डाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अंडे का येलो पार्ट और उसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद अंडे का व्हाइट पार्ट डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर मैदा डाल रही हूँ एक कप। उसके बाद एक बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर। इसे मिला लेने के बाद आपका केक का जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक केक टिन लीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छी तरह से ब्रश कर लीजिए इस तरह से। अब मैं केक का बैटर डाल रही हूँ। केक का बैटर आधा डाल के टिन को फिल कर दीजिए और थोड़ा सा ऐसे अप डाउन कर लीजिए ताकि अंदर का जो हवा है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद एक पैन को गर्म कर लीजिए, उसमें नमक या फिर बालू डाल के उसके बाद केक को उसमें डालिए और 30 से 40 मिनट के लिए अच्छी तरह से बेक कर लीजिए। और उसके बाद हमारा केक जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसे ठंडा कीजिए और धीरे धीरे केक टिन से इसको निकाल लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए हमारा केक बहुत ही सुंदर बना है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और मलाई जो है उसको तैयार कर लेंगे। अब एक पैन लीजिए, उसे गर्म कीजिए, उसमें 1 लीटर दूध डालिए और दूध गर्म होने के बाद मैं उसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता और इलायची। अब दूध को उबालने दे और इसको चलाते रहे, क्योंकि अगर आप दूध को ना चलाएंगे तो ये दूध नीचे से जल जाएगा। तो धीरे धीरे दूध आधा हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, आधा कप चीनी। मैंने तेज पत्ता को अलग से साइड कर दिया है और दूध देखिए धीरे धीरे घना हो रहा है। इसे मुझे हाफ करना है, दूध को एकदम कम करना है और बहुत ही घना करना है। अब देखिए हमारा दूध यानी कि हमारा मलाई या फिर रबड़ी जो है ये भी तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये दोस्तों। उसके बाद एक बड़ा केक का टिन लिया है मैंने, उसमें मैं केक डाल रही हूँ जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। उसके बाद केक को अच्छी तरह से काट लीजिए अपने मनपसंद के हिसाब से। और केक के अंदर इस तरह से छेद कर लीजिए ताकि जब मैं मलाई डालूँ तो इसके अंदर ये अच्छी तरह से जाए। अब ऊपर से मलाई डाल दीजिए इस तरह से। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए और ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए
ये तैयार हो गया है। 2 घंटे बाद मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ और इसको मैं सर्व कर रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए बनाइए, बहुत जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध को पकाने के टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा ताकि ये जल ना जाए। इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कौन सा रेसिपी चाहिए, और अगर आर्ट का भी कोई वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।